गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर। आज हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इसमें अभी तक हमने देखा था कि कहाँ कहाँ पर इसको कल्चर किया जा रहा है, इसके ऊपर काम हो रहा है और ये किस किस फील्ड में इसका काम हो रहा है, ये सारा हमने देखा था जेनेटिक इंजीनियरिंग का। अब आगे हम जो देखेंगे इसमें, अब हम देखेंगे इसमें इसके टूल्स है ना, कौन से औजारों का उपयोग किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। टूल्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक इंजीनियरिंग में प्रयोग आने वाले औजार जिसके द्वारा इस टेक्निक को किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा होस्ट। होस्ट मतलब पोषक। ठीक है, इसमें क्या होगा, होस्ट क्या होगा इसका, पोषक जो होता है वो एक कोशिका होती है। ठीक है, जो भी कोई सेल लेते हैं वो क्या होती है, इसका होस्ट या पोषक होती है। पोषक एक कोशिका है जिसमें डीएनए के गुणन, मतलब डीएनए को मल्टीप्लाई करके उसकी हजारों प्रतियां उत्पन्न करने की स्वीकृति दी जाती है। मतलब कोई सेल ली हमने, प्लांट की या एनिमल की, कोई भी एक सेल लेने के बाद उसके बाद क्या, उसकी बहुत सारी कॉपीज़ निकाल लेना, किसकी, डीएनए को मल्टीप्लाई करके उसका गुणन करके उसकी असंख्य या हजारों कॉपीज़ निकाल लेना, जैसे फोटोकॉपी निकाली जाती है ना, उस तरह से उसकी प्रतियां निकाल लेना या उसको निकालने की स्वीकृति दे देना किसका काम होता है, होस्ट का होता है। जैसे किसमें ये किया जाता है, बैक्टीरिया ईस्ट आदि को प्रायः पोषक की भांति प्रयोग किया जाता है। जो ईस्ट है, बैक्टीरिया हैं, इन सब का क्या किया जाता है, इनको यूज़ किया जाता है ना, पोषक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। और जीवाणुओं में एस्चेरिचिया कोलाई, इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है ना, सबसे ज़्यादा काम किस पे हुआ है, ईकोलाई पे है ना, एस्चेरिचिया कोलाई पर। इसके बाद है वेक्टर। वेक्टर क्या होते हैं, वाहक। वाहक क्या हो जाएंगे, जो एक से दूसरे तक ले जाने का काम करें, जो मीडिएटर हो गया है ना, जिसने गुणों को, जो उसके सिम्टम्स हैं, जो भी नए गुण जो हम इस मेथड के द्वारा डेवलप करते हैं, उनको क्या करते हैं, ले जाने का काम करते हैं, एक से दूसरे में स्थानांतरित करने का काम करते हैं, या एक से हम कह सकते हैं कि वाहक होते हैं, एक तरह से ये वाहन का काम करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करते हैं। तो ये क्या होंगे, जो वेक्टर होते हैं ये वाहक वे सवारियाँ हैं जो बाहरी डीएनए को, बाहरी डीएनए क्या हो गया, जो हमने दूसरा किसी और से लिया है ना, जो फॉरेन पार्टिकल है ना उसको, तो बाहरी डीएनए को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित करने में प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी दूसरे एनिमल का, प्लांट सेल का या एनिमल सेल का डीएनए लेके जब हम किसी दूसरे में स्थानांतरित करते हैं, तो वहाँ से लेके वहाँ तक ले जाने का काम कौन करेगा, वेक्टर करेगा। ठीक है, और इसका सामान्यतः प्लाज्मिड को वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो जैसे प्लांट सेल में पाई जाती है ना प्लाज्मिड, तो उसमें इसका काम कौन करता है, प्लाज्मिड के द्वारा जो है वेक्टर का काम करता है प्लाज्मिड। ठीक है, सेल को एक स्थान से, सेल के जो डीएनए में के जो गुण हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम प्लाज्मिड के द्वारा होता है। यह एक क्रोमोसोम के अतिरिक्त वलयाकार दोहरे स्ट्रैंड वाला, यानी डबल स्ट्रैंड वाला डीएनए होता है। प्लाज्मिड क्या होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, जो कि बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। ठीक है, अब है वांछित डीएनए, यानी डिज़ायर्ड डीएनए, मतलब वांछित का मतलब क्या हो जाता है, जो हमें कैरेक्टर चाहिए है ना, जो नेचर या जो कैरेक्टर हमें एक से दूसरे में डेवलप करना है, तो उसके लिए हमें किस तरह का आवश्यक डीएनए चाहिए होगा, तो वो आवश्यक को बोलते हैं वांछित डीएनए। ठीक है, आवश्यक डीएनए यानी वांछित डीएनए, ये वह डीएनए है जिसे क्लोन करके स्थानांतरित किया जाता है, मतलब जिसको दूसरी सेल में शिफ्ट करके और शिफ्ट किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, डिज़ायर्ड डीएनए कहते हैं, है ना। क्लोन क्या होता है, एक के सिम्टम्स को लेके दूसरे में डाल के उनको डेवलप करना। इसे कृत्रिम तरीके से संश्लेषित किया जा सकता है, मतलब आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा इसको जो है हम सिंथेसिस कर सकते हैं, या अन्य कोशिकाओं से प्राप्त किया जा सकता है, मतलब जो अदर सेल्स हैं उनसे भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं।
जैसे एग्जांपल के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जीन जो होते हैं, जो जिनमें नाइट्रोजन को फिक्स करने का जो जीन पाए जाते हैं, कैरेक्टर पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरह के। और इंसुलिन जीन, ये सारे, ये सब जो लक्षण हैं जिनमें पाए जाते हैं, वो किस में आ जाएंगे, वो वांछित डीएनए में आ जाएंगे। मतलब हमको क्या करना होता है, हम इन गुणों को लेके दूसरे में स्थानांतरित करने का प्रयास करते हैं, या जिनमें ये गुण नहीं है उनमें इन गुणों को डेवलप करने के लिए इनको हम ट्रांसफ़र करते हैं या स्थानांतरित करते हैं। इसके बाद है एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंजाइम रासायनिक चाकू की तरह और सूचर्स की भांति प्रयोग किए जाते हैं। ये जो एंजाइम होते हैं, ये मैं आपको भी बताऊंगी, ये दो तरह के होते हैं। एक का काम होता है काटने का, है ना, जब डीएनए को हम कट करते हैं, हमें कितना भाग उसका यूज़ करना है उसको काटने के लिए एक होता है, और दूसरा होता है उसको जोड़ने के लिए। तो एंजाइम किसका काम करते हैं, इसमें एक चाकू और सूचर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, डीएनए अणुओं को काटने और जोड़ने का काम करते हैं। मैंने आपको बताया ये दो तरह के होते हैं, वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। पहला है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये जो एंजाइम है, कौन सा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये एंजाइम काटने का काम करता है, है ना। इसको आणविक कैंची भी कहते हैं। जब जेनेटिक इंजीनियरिंग में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन कि आणविक कैंची किसे कहा जाता है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो है उसको आणविक कैंची कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, कैसा होता है, ये एंजाइम रासायनिक चाकू की तरह प्रयोग किया जाता है। मतलब एक जो एंजाइम है वो काटने का काम करेगा, और दूसरा जो है, दूसरा कौन सा है, लाइगेजेज, जो जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये इसके जो एंड होते हैं, वो जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज द्वारा काटा जाता है ना डीएनए को, तो उसमें क्या होते हैं, इसके जो सिरे होते हैं जिन पॉइंट पे ये कटता है, वहाँ कैसा होता है, स्टिकी होता है, यानी चिपचिपा होता है। जब हम दूसरे किसी फॉरेन पार्टिकल को उसमें ऐड करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वो चिपक जाता है, ठीक है। आगे मैं इसको आपको डायग्राम के साथ में समझाऊँगी। तो ये क्या होते हैं, ये एंजाइम रासायनिक चाकू की तरह प्रयोग किए जाते हैं। ये डीएनए स्ट्रैंड को काटते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ये किसका काम करते हैं, काटने का काम करते हैं, और डीएनए के जो हमको सिम्टम्स चाहिए होते हैं, है ना, जो हमको उसके कैरेक्टर दूसरे में डेवलप करना है, तो वहाँ उसके लिए डीएनए के क्या करते हैं, इसको काटने, डीएनए के स्ट्रैंड को काटने का काम करते हैं। ये एंजाइम स्टेगर्ड कट्स उत्पन्न करते हैं। अभी स्टेगर्ड कट्स क्या होते हैं, मतलब जहाँ पर इनमें कट लगता है, तथा कटने के फलस्वरूप बने हुए खंड छोटे एवं स्ट्रैंड वाले प्रोजेक्शंस युक्त होते हैं। मतलब उसमें कैसे होते हैं, वो सिंगल स्ट्रैंड हो जाते हैं और प्रोजेक्शन युक्त होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं उसमें, जिन्हें स्टिकी एंड्स कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जिन सिरों पर डीएनए को हम काटते हैं, तो उनमें क्या होते हैं, वो स्टिकी एंड होते हैं, यानी चिपचिपे होते हैं, चिपकने वाले एंड होते हैं, ठीक है, जिससे हम दूसरे जब इसको जोड़ेंगे तो वो आसानी से उसमें चिपक जाता है। इसके जो महत्वपूर्ण एंडोन्यूक्लियस हैं, EWRI HIND थर्ड, BAM1 HAE थर्ड, ये सारे जो हैं ये एंडोन्यूक्लियस की तरह कार्य करते हैं। फिर है दूसरा लाइगेजेस। लाइगेजेस क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, एक काटने का काम करता है एंजाइम, और दूसरा जो है जोड़ने का काम करता है। तो ये क्या होते हैं, ये रासायनिक सूचर्स होते हैं। अब आप इनको अंडरलाइन अच्छे से कर लेना, और ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आणविक कैंची कौन सी है, किसको कहते हैं, या सूचर्स किसे कहते हैं, रासायनिक सूचर्स क्या हैं, किसको कहते हैं, तो आपको ऑप्शन में रख दिया जाएगा जिसमें से आपको सही आंसर बताना होगा। तो ध्यान रखना कि लाइगेजेस जो है ये जोड़ने का काम करता है, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज काटने का काम करता है। ये क्या था, ये रासायनिक सूचर्स की भांति प्रयोग किए जाते हैं। ये डीएनए के कटे हुए दोनों स्ट्रैंड को, बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आप देखो ये क्या कर रहे हैं, जहाँ पे पहले इसने रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस ने क्या किया, उसको काटने का काम किया, अब ये उन कटे हुए भागों को, ये डीएनए के कटे हुए दोनों स्ट्रैंड जो कटने के बाद सिंगल स्ट्रैंड हो गए थे, है ना, तो उनको क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। डीएनए के
जो टुकड़े आपस में जुड़े होते हैं उन्हें ये एंजाइम क्या करते हैं, सील कर देते हैं। जैसे हम सील कर देते हैं किसी चीज़ को, बिल्कुल मजबूती से जोड़ देते हैं ना, तो वहाँ क्या होता है, ये उसको जोड़ने के साथ साथ क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं, ताकि उसमें किसी तरह का कोई स्पेस ना बचे, है ना, और वो पूरा एक कंप्लीट जो है हमें नया मिल जाए। ठीक, अब इसकी मैकेनिज्म, अभी यहाँ तक हमारा हुआ इसके टूल्स, आपको समझ में आ गए होंगे टूल्स इसके कौन कौन से हैं। सबसे पहले होस्ट, होस्ट क्या है, जो सेल जिसमें से हमें एक डीएनए के कैरेक्टर लेके हमें दूसरे में ट्रांसफ़र करना है ना, तो ये हो जाता है होस्ट। ठीक है, फिर दूसरा है वेक्टर। अब ये जो सेल के कैरेक्टर हमें दूसरे में शिफ्ट करना है, तो उसको ले जाने के लिए कोई हमें चाहिए पड़ेगा, है ना, एक जगह से जब हम कोई चीज़ दूसरी जगह ले जाएंगे तो उसके लिए हमको क्या चाहिए पड़ेगा, बीच में कोई एक मीडिएटर चाहिए पड़ेगा, वेक्टर चाहिए पड़ेगा, जो हमारे इस मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे। ठीक, तो वेक्टर, दूसरा क्या हो गया, वेक्टर हो गया। इसके काम कौन करता है, ये प्लाज्मिड के द्वारा, है ना, प्लाज्मिड जो है डीएनए के, डीएनए को वेक्टर के रूप में, सॉरी प्लाज्मिड के रूप, प्लाज्मिड एक वेक्टर के रूप में डीएनए के कैरेक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है। फिर डिजायर्ड डीएनए, ये क्या है, ये वांछित डीएनए, वो जो हमको कैरेक्टर चाहिए हैं, है ना, जो आवश्यक कैरेक्टर जो हम किसी दूसरे सेल में डेवलप करना चाहते हैं, वो जो डीएनए के लक्षण हैं वो क्या हो जाएंगे, वांछित डीएनए या डिजायर्ड डीएनए। इसके बाद एंजाइम, अब ये तीनों चीज़ें तो हमें मिल गई, ठीक है, कौन कौन सी, एक तो होस्ट मिल गया, वेक्टर और आवश्यक जो हमें डीएनए चाहिए था वो मिल गया। ठीक, लेकिन अब इसको हम करेंगे कैसे, कैसे कट होगा, कैसे वहाँ पर दूसरा पहुँचेगा, ये सारा काम किसके द्वारा होता है, तो ये होता है एंजाइम के द्वारा। ये दो तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया कौन कौन से, एक होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज और दूसरा है लाइगेजेज। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज किसका काम करते हैं, ये काटने का काम करते हैं, है ना, ये डीएनए के भाग को काटने का काम करते हैं, और ये डबल स्ट्रैंड डीएनए को काटने के बाद में सिंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, सिंगल में हो जाते हैं क्योंकि उसके स्ट्रैंड कट गए हैं। तो जहाँ से कटते हैं, अभी मैं जब आपको इसका डायग्राम समझाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में आ जाता है। ठीक है, और फिर जब कटने के बाद में जो इसके एंड होते हैं, जो दोनों सिरे होते हैं, वो कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं। फिर जब लाइगेजेस द्वारा ये जुड़ता है, जुड़ने का काम कौन करता है, लाइगेजेस एंजाइम करता है। तो जब ये उसमें डीएनए को जोड़ने का काम करता है होस्ट सेल में, तब क्या होता है, इसके स्टिकी सिरों के द्वारा ये आपस में अच्छे से जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद में ये क्या करता है, उसको सील कर देता है, अच्छी तरह से पैक कर देता है, ताकि उसमें किसी तरह का कोई स्पेस ना बचे, और वो जो है एक कंप्लीट हमको होस्ट सेल के रूप में मिल जाए, ताकि उसको अच्छे से हम डेवलप कर सकें। तो ये हुए इसके टूल्स। इसके बाद है इसकी मैकेनिज्म, जो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।